इंग्लिश टेंथ क्लास ऑब्जेक्टिव एम सी क्यूज़ लेक्चर नंबर फोटीन चूज़ द करेक्ट फॉर्म आफ वर्ब फाइव मार्क्स ऑप्शन नंबर वन पेरेंस डैश देर चिल्ड्रन वेरी मच हमारे पास ऑप्शन हैं लव लवज़ इज़ लविंग शव याद रखिए कि ऑप्शन नंबर वन रूटीन का फिक्र है रूटीन्स में कोई काम बार बार होता है रूटीन्स के फिक्रों में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाती है तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है लव पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन वेरी मच वालदन अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं सो वी विल चूज़ ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर टू शी सिंस मॉर्निंग अवेलेबल ऑप्शन आर विल बी वर्किंग हैड बीन वर्किंग वॉज़ वर्किंग वर्कड याद रखिए जिस इंग्लिश के फिक्रे में सिंस या एफ ओ आर फो के बाद ड्यूरेशन आ जाए यानी दौरानिया आ जाए या फिर द स्टार्टिंग पॉइंट किसी काम का नुकता आगाज आ जाए तो वहाँ पर हैज़ या हैव या हैड में से कोई एक लफ्स उसके बाद बी डबल ई एन बीन और उसके बाद चौथी फॉर्म यानी आई एन जी वाली फॉर्म वर्ब की इस्तेमाल होती है तो यहाँ पर भी क्योंकि सिंस के बाद नुक्ता आगाज आ चुका है इसलिए यहाँ पर हमारे पास बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सूटेबल होगा हैड बीन वर्किंग शी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग वो सुबह से काम कर रही थी ऑप्शन नंबर थ्री ट present. हमारे पास ऑप्शन हैं Rains वॉज raining, इज रेनिंग rained. याद रखिए जिन इंग्लिश फ़िक्रों में एट प्रेजेंट present, या प्रेजेंटली या नाओ या फिर एट द मोमेंट वग़ैरह जैसे अल्फाज आए वहाँ पर इज एम या आर इन तीनों में से कोई एक लफ्ज़ प्लस फोर्थ यानी आई वाली फॉर्म वर्ब की इस्तेमाल की जाती है इट के साथ इन तीनों में से क्योंकि इज आता है इसलिए यहाँ पर इज के बाद चौथी फॉर्म यानी सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सूटेबल होगा इट इज़ रेनिंग एट प्रेजेंट इस वक्त बारिश हो रही है ऑप्शन नंबर फोर आई डैश हिम नेक्स्ट मंडे ऑप्शन हैं हमारे पास सो सी शेल सी हैव सीन जिन इंग्लिश फ़िक्रों में नेक्स्ट मंडे टमारो नेक्स्ट डे वगैरह जैसे अल्फाज हैं वहाँ पर मुस्कबिल की बात हो रही होती है नेक्स्ट मंडे आने वाला सोमवार टुमारो आने वाला कल द नेक्स्ट डे आने वाला दिन इसे यहाँ पर विल या शेल में से एक वर्ड जरूर आएगा विल या शल जमा फर्स्ट फॉर्म इस तरह के फिक्रों में इस्तेमाल होती है आई के साथ शैल लगता है तो आई शैल सी हैम नेक्स्ट मंडे यहाँ पर सी वाला ऑप्शन फिट होगा आई शैल सी हेम नेक्स्ट मंडे मैं आने वाले या अगले सोमवार उसको मिलूंगा ऑप्शन नंबर फाइव इट डैश टू रैन एन आगाओ जिन इंग्लिश फ़िक्रों में अगाओ यस्टरडे या प्रीवियस मंथ वग़ैरह जैसे अल्फाज हैं इस तरह के फिक्रों में वह अपनी दूसरी फार्म लगाते हैं तो यहाँ पर होगा इट बेगैन टू रेन एन आओ अगा क्योंकि बिगैन दूसरी फार्म है वर्ब की इट बिगैन टू रेन एन आगा एक घंटा पहले बारिश होना शुरू हुई चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग्स फोर मार्क्स इन चार में से एक लफ्स के दुरुस्त स्पेलिंग्स हैं वो लफ्ज़ तलाश करें अब यहाँ पर यह बात याद रखें ये सवाल स्पेलिंग्स को ज़बानी याद करने से हल होता है ऑप्शन नंबर सिक्स ये दुरुस्त वर्ड है एसोसिएशन और इन चारों में से दुरुस्त स्पेलिंग्स हैं ऑप्शन नंबर ए में ए डबल एस ओ सी आई एन एसोसिएशन ऑप्शन नंबर सेवन ये दुरुस्त लफ्ज़ है मोटिवेशन और इन चारों ऑप्शंस में से दुरुस्त स्पेलिंग्स हैं ऑप्शन नंबर डी के एम ओ टी आई वी आई टी आई ओ एन मोटिवेशन ऑप्शन नंबर एट यहाँ पर दुरुस्त वर्ड होगा रिवेंज और इन चारों में से दुरुस्त वाला ऑप्शन है डी वाला यानी डी वाले ऑप्शन में रिवेंज के स्पेलिंग्स कदेक्ट हैं आर ई -E वी ई -E एन जी ई -E, रिवेंज ऑप्शन नंबर नाइन ये दुरुस्त लफ्ज है ब्रॉडकास्ट और सी वाले ऑप्शंस में इस लफ्ज़ के स्पेलिंग्स दुरुस्त हैं बी आर ओ ए डी सी एस टी ब्रॉडकास्ट नशर करना चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फाइव मार्क्स ऑप्शन नंबर टेन दिनेम ऑफ इक्विटेबल इज़ इस सेंटेंस में लफ्ज़ इक्विटेबल का मतलब या मानी या मुतरदफ़ सिननम मतराद को कहते हैं कौन सा है फेयर एंग्री लवली इक्वल तो यहां पर इक्विटेबल का सिननम या मानी या मुतरदफ फेयर होता है यानी जायज मुनासिब यहां पर ए वाला ऑप्शन हमारा जवाब होगा फेयर द ऑफ इक्विटेबल इज फेयर ऑप्शन नंबर इलेवन बट द पॉइंट हेयर इज दैट इट इज नॉट दैट कन्वीनियंट द अंडरलाइं वर्ड मीन्स यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है कन्वीनियंट तो लफ्स कन्वीनियंट का मानी कौन सा है गुड डिफिकल्ट ईजी या वेल well. तो इन चारों में से दुरुस्त ऑप्शन है ईजी कन्वीनियंट का मतलब होता है ईजी ऑप्शन नंबर ट्वेल्व हु इज द मैन एट द डोर दरवाजे पर कौन है द वर्ड हु इज लफ्ज हु क्या है पर्सनल प्रोनाउन इनडेफिनेट प्रोनाउन रेलेटिव प्रोनाउन या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अब यहाँ पर लफ्ज़ हु क्योंकि सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो लिहाजा ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा सो वी विल सेलेक्ट ऑप्शन नंबर डी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ऑप्शन नंबर थर्टीन इफ ही डैश मोर केयरफुली ही वुड नाट खोज एक्सीडेंट इस खाली जगह में कौन सा लफ्स आएगा अब याद रखिए कि यह सेकेंड कंडीशनर है सेकेंड कंडिशनर की अमामत ये है कि इसमें इफ वाली साइड पर सेकेंड फार्म आती है जबकि दूसरे हिस्से में वुड के बाद फर्स्ट फार्म आती है अब यहाँ देखिए दूसरे हिस्से में वुड के बाद फर्स्ट फार्म खोज आई हुई है लिहाजा दूसरी तरफ सेकेंड फार्म आएगी क्योंकि सकेंड कंडिशनर की यही शर्त होती है तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म है ड्रोव तो ये फिक्र यूं बनेगा इफ़ ही ड्राव मोर केयरफुली अगर उसने ज़्यादा एहतियात से ड्राइविंग की ही वुड नॉट खोज एक्सीडेंट तो वो एक्सीडेंट का बायस नहीं बनेगा ऑप्शन नंबर फोर्टीन दिनिनम ऑफ लवली इज़ लवली का मुतरदफ कौन सा है अनअट्रैक्टिव ब्यूटिफुल अगली डल ब्यूटीफुल बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि लवली का मुतरदफ या हम मानी होता है खूबसूरत सो वी विल सेलेक्ट ऑप्शन बी ब्यूटीफुल ऑप्शन नंबर फिफ्टीन मारिया फेल ओवर दोट फिक्रे में खत ख़शीदा अल्फाज का मजमू ओवर द खोट क्या है इनडेफिनट फ्रेज़ है जैरेंड फ्रेज है प्रपोजिशनल फ्रेज है या फिर सिंपल फ्रेज है प्रापोजिशनल फ्रेज़ क्या होती है ये ऐसी फ्रेज होती है जो किसी प्रापोजिशन से शुरू हो यहाँ पर क्योंकि अंडरलाइन जो मजमुआ है वर्ड्स का ओवर द खोट ये एक प्रापोजिशन से शुरू हुआ है ओवर एक प्रापोजिशन है इसलिए इस सेंटेंस इस का ये वाला पार्ट ओवर द खोट ये वाली फ्रेज प्रपोजिशनल फ्रेज़ होगी क्योंकि ये एक प्रेपोजिशन से शुरू हो रही है ऑप्शन नंबर सिक्सटीन द मैन कंप्लेंट दैट दॉज नो ब्रेड द अंडर पार्ट ऑफ सेंटेंस इज अब यहाँ पे अंडरलाइंट पार्ट कौन सा है द मैन कंप्लेंट ये कौन सी क्लॉज है डिपेंडेंट क्लोज इंडिपेंडेंट क्लोज रेलेटिव क्लोज या ए रेलेटिव क्लोज अब देखिए इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होती है ये क्लोज एक लंबे फिक्रे का ऐसा हिस्सा होती है कि जिस को अगर फिक्रे से अलहदा कर दिया जाए तो फिर भी वो शुदा हिस्सा बामानी हो और मुकम्मल मफहूम दे अब यहाँ से अगर इस लंबे फ़िक्रे से द मैन कम्प्लेंट कोलीहदा भी कर लिया जाए तो फिर भी इस फ्रेज़ का मफहूम ठीक रहता है और ये पार्ट बिल्कुल बामानी होता है इसलिए इसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्लोज यानी ऐसी क्लोज़ कि जिसको अपने मानी के लिए किसी दूसरी फ्रेज़ या क्लोज पर इहसार नहीं करना पड़ता सो वी विल चूज़ ऑप्शन बी द मैन कंप्लेंट इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लोज ऑप्शन नंबर सेवनटीन वी कीप द ऑडियंस हैप्पी इस फिक्रे में ऑडियंस नाउन की कौन सी किस्म है कलेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट या कंपाउंड तो आइए देखते हैं ये चारों अकसाम क्या होती हैं कलेक्टिव नाउन बहुत सारे नाउस को मिलाकर एक नाम देना कलेक्टिव नाउन कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे होते हैं जो ख्यालात होते हैं और जिनको हम ना छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं कंक्रीट नाउन् ऐसे होते हैं जिनको हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं जबकि कंपाउंड नाउ्स ऐसे नाउस होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बने होते हैं अब यहाँ पर ऑडियंस क्योंकि बहुत सारे नाउंस को मिलाकर एक नाम दिया होता है यानी इसमें ऑडियंस में बहुत सारे मेल्स हो सकते हैं फीमेल्स हो सकते हैं जो अलग-अलग भी नॉन्स हैं तो मुख्तल नॉन्स को मिला के एक लफ्ज़ ऑडियंस बनाया हुआ है तो इसलिए इसको हम बोलेंगे कि ये एक कलेक्टिव नाउन है सो वी विल चूज़ ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर एटीन ही वॉज़ एक डैश थेफ्ट यहाँ पर खाली जगह में कौन सी प्रेपोजिशन लगेगी ऑफ फ्राम इन या ऑन तो हमेशा याद रखिए कि वर्ब एड के साथ हमेशा प्रेपोजिशन ऑफ लगाई जाती है तो इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा ही वॉज़ अकूज ऑफ थेफ्ट उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा ऑप्शन नंबर नाइनटीन ही हेटेड हिज एनिमी इस फकरे में कौन सा ज़माना इस्तेमाल हुआ है फास्ट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीनस टेंस फास्ट प्रोग्रेसिव या फास्ट कंटीन्यूसठ टेंस या फास्ट इनडेफिनट टेंस इस फकरे में वर्ब की दूसरी फॉर्म हेटेड इस्तेमाल हुई है और जिस इंग्लिश के फकरे में वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल हुई हो वो फ़कर फास्ट इनडेफिनट टेंस कहलाता है तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इस फकरे में फास्ट इंडेफिनट टेंस इस्तेमाल हुआ है